नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। घरेलू इलाज देखिए, 100% सटीक इलाज देखिए मेरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू उपाय जो आप घर पर ही करेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। आज की जो वीडियो है, ये वीडियो है दिमाग के लिए। जैसे कि दिमाग का डेड हो जाना, मर जाना, इसमें मैं आपको जो पहले भी दिमाग के डेड की एक वीडियो बना चुका हूं, दिमाग के मर जाने की, इस वीडियो में मैं आपको दिमाग के आधा दिमाग के मर जाने की वीडियो बनाने जा रहा हूं। घरेलू उपचार दे रहा हूं आपको जो आप घर पर ही करेंगे, और इस वीडियो में आपको बहुत लाभ होने वाला है जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं ये आपके लिए। जैसे कि आपकी जो प्रॉब्लम आती है, इसमें क्या होता है, दिमाग से सोचना, या कोई इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह ले लेते हैं, या जैसे कि बहुत ज्यादा आप टेंशन में हैं, तो इसमें क्या होती है, नसों पर जो जोर पड़ता है, नसें कमजोर हो जाती हैं, और ब्लड इसमें क्या होता है, दबाव आ जाता है, तो नस ब्लॉक हो जाती हैं, ब्लड दिमाग तक नहीं पहुंचता, और आधा दिमाग इसमें सिकुड़ना शुरू हो जाता है। ये आधे दिमाग की मैं वीडियो बना रहा हूं। जैसे कि जब ब्लड नहीं जाएगा तो दिमाग जो होता है, आधा दिमाग जो होता है, इसमें काम करना बंद कर देता है, एक तरीके से मर जाता है, डेड हो जाता है, बिल्कुल भी वर्क इसमें नहीं करता। इसमें मैं जो आपको जो उपचार दे रहा हूं घरेलू है, और बहुत फायदा करेगा ये आपको। जैसे आपका इसमें बीपी बढ़ता है या कम होता है, इसमें अधिकांश क्या होता है, बीपी लो होता है, तो बीपी का आपको इसमें ध्यान रखना है, अपने बीपी को कंट्रोल करें। बीपी कम है तो इसमें आलू में नमक डाल के या कॉफी वगैरह पिए, या एक टाइम चाय में दालचीनी, अगर बीपी ज्यादा लो है तो दो टाइम आप चाय में दालचीनी, बीपी आपका ज्यादा लो है तो इसमें ये सिम्टम्स आता है बीपी ज्यादा लो होने का। और दूसरा इसमें क्या होता है, आपको खाने पीने में, आपको खाने पीने में भी अपना थोड़ा सुधार करना होगा। अगर बीपी लो है तो आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गरम मसाला भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, कोई इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपको देसी घी से आपको बचना है, क्योंकि ब्लॉकेज आपके दिमाग में की नसों में है। आपको देसी घी, कोई भी वसा की, जैसे कि नॉनवेज, एग वगैरह, अंडा, बिल्कुल भी आपको इसमें इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं खाना है आपको, इससे आपको बचना है। और जितना आप इसमें परहेज करेंगे उतना आप जल्दी इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। अपने आप को एक्टिव रखें, कभी भी एकांत में ना बैठें, फैमिली के साथ बैठें, बात करें। अगर कोई अगर बात नहीं कर रहा है, मैं फैमिली को भी बोल रहा हूं, तो उनसे बात करें जो पेशेंट है आपके पास, आपके घर में। और अब मैं आपको इसमें जो उपाय बताने जा रहा हूं, जो घरेलू उपचार मैं इसमें देने जा रहा हूं, जो आप घर पर ही करेंगे, आपको लेना है 50 ml बादाम रोगन, 50 ग्राम जैतून का तेल, 50 ग्राम कद्दू का तेल, 50 ग्राम काहू का तेल। ये चारों तेल आपको मिक्स कर लेने हैं, और 20 ग्राम आपको डालना है इसमें सरसों का तेल। इसको आप मिक्स कर लीजिए, और इसमें आपको डालना है 20 ग्राम पिसी हुई दालचीनी, 20 ग्राम पीसी हुई दालचीनी,
करीब इसमें आपको 80 ग्राम लहसुन की पौड़ी जो होती हैं उसको छीलकर आप इसमें डाल लीजिए, और 8 चम्मच आपको इसमें डालनी है अजवाइन। अजवाइन को आप बारीक नहीं पीसना है, साबुत ऐसी आपको डालना है, और इसको आप आंच पर रख दीजिए पकने के लिए। और जब ये बिल्कुल ब्लैक हो जाए, जैसे कि लहसुन, अजवाइन, दालचीनी, ये सब तो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, और चाकू मारकर आप लहसुन में देखिए कहीं ये बीच में कच्चा ना रहे, बिल्कुल ब्लैक हो जाना चाहिए अंदर से, और फिर आप इसको छान लीजिए। जैसे ये ठंडा हो जाए, आंच से उतारकर आप इसको छान लीजिए, और जो ब्लैक ब्लैक ये जो चीजें हैं ये अलग रख दीजिए। ऑयल ठंडा होने पर इसको आप बोतल में डाल लीजिए, ये आपका सर के मालिश के लिए। ये आपको पूरा गर्दन से लेके हाथ से लेके, पहले आपको हाथ से ऐसे ऊपर जाना है दोनों हाथों से, और फिर ये ऊपर गर्दन पे, फिर पीछे से आपको ऊपर आना है। कभी भी ऊपर से मालिश ना करें, अधिकांश क्या करते हैं ऊपर से करते हैं, ये आपको हाथों से लेना है, हाथों से ऊपर जाना है आपको, ठीक है। और हल्के हल्के हाथों से, नसों को जो है प्रेशर में नहीं लेना, मतलब दबाव नहीं डालना है आपको, नसें दबे नहीं, हल्के हल्के हाथ से आपको ऑयल ये अंदर पहुंचाना है नसों में। और दूसरा जो ये आपका ये जो इसमें जो ब्लैक ब्लैक जो हो गया लहसुन, अजवाइन और दालचीनी जो उसमें मिक्स है, तो ये आपको ड्रायर करके इसको या सील बट्टे पर पीस लें, और एक किसी डिब्बे में इसको आप बंद करके रखिए, ये आपके रात्रि में काम आएगा। इसको क्या करना है, आपको एक चम्मच लेना है और इसको गर्म करना है, हल्का गर्म कर लें किसी छोटी किसी बर्तन में, और बाल सबसे पहले बाल कम करवाने हैं, बाल कम कर लें, एक नंबर दो नंबर की मशीन लगवा लें, बाल कम होने चाहिए। दिमाग की साइड, लेफ्ट साइड आपको ये लेप रात्रि में लगाना है गरम करके, और इसके ऊपर रुई का कॉटन डाल लगाकर टेप लगा दीजिए। और फिर आपको क्या करना है, रेत लेना है, बालू रेत, बालू रेत की आपको सिकाई करनी है। रेत जो होता है इसको गरम कर लीजिए किसी बर्तन में, और एक कॉटन के कपड़े में डालकर इसकी एक मुठ बना लीजिए पोटली, और इसको धागे से, पूरा स्ट्रॉन्ग धागे से इसको बांध लें, और गरम सेक आपको अंदर तक देनी है। एक जगह पर जहां पर दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिमाग डेड है, वहीं पर आपको इसको लगाना है, पूरे दिमाग को ही करना है वैसे तो, जैसे लेफ्ट साइड, ये आपको एक जगह रोककर रखना है, उसको पता भी नहीं चलेगा जिसको ये प्रॉब्लम है, उसको धीरे धीरे गर्म लगेगा, हीट जाना चाहिए अंदर तीर की भांति, और ये कम से कम आपको 15 से 20 मिनट तक उसी रुई के कॉटन के ऊपर आप टेप लगा के, मेडिकल से मिल जाएगी, और तब आपको ये सेक देनी है। गंजाई कर ले तो ज्यादा अच्छा है, बाल निकाल दे बिल्कुल, बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। खाने पीने में आपको जो है ये बता दूं, ठंडी चीजें बिल्कुल नहीं खानी, बर्फ की कोई भी चीज नहीं लेनी, पानी नहीं पीना, आइसक्रीम नहीं खानी, ठंडा पानी सर पर बिल्कुल नहीं डालना, गर्मी में भी गुनगुना पानी सर पर डालना है, और हल्का गुनगुना पानी ही पीना है, ताजा जल भी आप नहीं ले सकते। और इसमें आपको खाने पीने में आपको बता दें, सलाद खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चावल नहीं खाना, और खटाई आपको बिल्कुल नहीं खानी किसी भी प्रकार की, नींबू अचार इन सब चीजों से आपको परहेज करना है। और जैसे कि एक्सपायरी वाली कोई भी चीज, जैसे कि कोई भी कुरकुरा या बाजार की कोई भी जंक फूड या जिस पर एक्सपायरी है,
वो चीज आपको कभी भी घर में इस्तेमाल नहीं करनी है, जैसे कि कोई भी जैसे मसाला हो गया, गरम मसाला हो गया, या आप कोई पैकिंग वाली चीज लाते हैं जिस पर एक्सपायरी है, वो आपको इस्तेमाल नहीं करना है। चीनी जो शुगर होती है उससे आपको बचना है, चीनी इस्तेमाल नहीं करनी है। जैसे कि धागे वाली मिश्री होती है उसका आपको इस्तेमाल करना है, चीनी नहीं लेनी है आपको। मिश्री आप चाय में डाल सकते हैं, दूध में पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूध आप क्रीम वाला नहीं लेना है, आप क्रीम निकाल के जैसे कि ऊपर जो मलाई आती है वो निकाल लें और वो ही दूध पीना है आपको, या टोंड दूध ले सकते हैं आप। और ये खाने पीने का मैंने आपको परहेज बता दिया है, और ये सिकाई आपको, ये जब भी आप इसको करें, जैसे कि तेल लगाएं, ये तेल जो है आपको, जो आपने तेल बोतल में डाला है, ये सुबह दोपहर शाम और रात चार टाइम आपको ऑयल की यहां से आपको ऊपर जाना है सर पे, ये पीछे कान की साइड, ये पूरा ये सब। और इसमें आपको कोई भी ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं करनी है, जैसे कि ठंडी चीजों का आपको परहेज करना है। बीपी लो है, गर्म चीज खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा, आपका बीपी नॉर्मल रहेगा। और जो आप तेल लगाएंगे, तेल लगाने के 10 मिनट बाद आपको सिकाई करनी है, वही बालू रेत की, सुबह दोपहर शाम और रात। रात में जब आप ये सिकाई कर लें, ये करनी है आपको रात में 8 बजे। और जो आपको लेप जो लगाना है, ये लगाना है सोते हुए, जब आप सोने के लिए जाए, और मॉर्निंग में इसको आपको निकाल देना है और गुनगुने पानी से सर को साफ कर लेना है। साबुन यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो ये आपकी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि दिमाग का डेड होना, आधे दिमाग का, ये आपके सिम्टम्स जो हैं बहुत कम हो जाएंगे, दर्द आपका कम हो जाएगा, खिंचाव, जो खिंचाव बनता है ये आपका बहुत कम हो जाना है, बहुत आपको इसमें लाभ मिलने वाला है। और आपकी बहुत प्रॉब्लम्स इसमें ठीक हो जानी है। किन्हीं का तो आंखों में भी इसमें खिंचाव आता है, आंखों में पानी निरंतर आता आता रहता है, और आंखों की जो नसें होती हैं, जो बारीक नसें होती हैं, ये बहुत इसमें डैमेज भी हो जाती हैं, ये भी आपकी ठीक होंगी। और दर्द भी आपका कम होगा, आपका सर जो भारीपन जो इसमें महसूस देता है, ये आपका बहुत ठीक हो जाएगा, और आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। और ये जो सर का जो बाल निकालने के लिए मैं बोला हूँ, ये पूरे ही बाल निकाल दे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको इसमें बहुत लाभ मिलने वाला है, जो मैंने ये वीडियो बनाई है। और खाने पीने में मैंने आपको परहेज बता दिया है, और दालचीनी 1 कप खाली पेट चाय जरूर पिए दालचीनी की, इससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। और रात्रि में जैसे आप सोने के लिए जा रहे हैं, तो दूध में आप जो है शहद डालकर, जैसे कि बिना मलाई वाला दूध या टोंड दूध जो आप ले रहे हैं, उसमें आप शहद डालकर रात को जरूर पिए। और मॉर्निंग में आप ये दालचीनी वाला जो मैंने आपको बताया है चाय, ये जरूर पिए, इससे आपका एक तो बीपी भी जो है ठीक रहेगा, और आपका प्रेशर भी बनेगा, दिमाग की जो नसों का जो ब्लड सर्कुलेशन है ये आपका इसमें तेजी के साथ, मॉर्निंग में बहुत तेजी के साथ दौड़ता है, और आपको बहुत इसमें लाभ मिलेगा। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं, अब मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी वीडियो को पसंद किया गया, देश में ही नहीं विदेशों में भी। हमारे घरेलू इलाज आयुर्वेदिक इलाज आपके लिए 100% सटीक इलाज आपके लिए।